हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कालबेलिया डांस के बारे में। कालबेलिया डांस आपका न्यूज में क्यों है और आखिर कालबेलिया डांस क्या होता है, तो इससे जुड़े हुए सभी डायमेंशन को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। देखिए, तो कालबेलिया डांस राजस्थान का एक फोक डांस है, जिसको अभी हाल ही में भोपाल में नेशनल फोक एंड ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल के अवसर पर राजस्थान की कालबेलिया कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया गया है। कालबेलिया डांस के नाम पर ही राजस्थान की इस कम्युनिटी का नाम है कालबेलिया कम्युनिटी। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपकी कालबेलिया कम्युनिटी है जिसके द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है और काफी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होती है, ये काफी अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं इनकी जो वेशभूषा है, ये एक अलग प्रकार की वेशभूषा होती है जिसमें ये ब्लैक स्कर्ट पहनते हैं और घूम घूम कर इस डांस को करते हैं। फ्रेंड्स, आपने सपेरों के बारे में सुना होगा, तो ये सपेरों वाली ही कम्युनिटी होती है जिसमें पुरुषों के द्वारा वो बीन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है और इनके द्वारा एक जो सांप होते हैं उन्हीं की तरह गोल गोल घूमकर डांस किया जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। कालबेलिया नृत्य या कालबेलिया डांस कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। यह इसी नाम की एक राजस्थानी जनजाति से संबंधित है। तो जैसा कि आपको बताया, यह डांस राजस्थान की कालबेलिया कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है और ये इनकी एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करता है। इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट या फिर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट उन अमूर्त विरासतों से मिलकर बनी है जो प्राकृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करती हैं। इस सूची को 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर कन्वेंशन के समय स्थापित किया गया था। इस डांस में बेसिकली घूमना और रमणीय संचरण शामिल है जो इस नृत्य को देखने लायक बनाता है। तो बेसिकली इस डांस में घूम घूम कर डांस किया जाता है। दोस्तों, इस डांस को बेसिकली किसी खुशी के अवसर पर किया जाता है या फिर किसी उत्सव पर किया जाता है। इसे कालबेलिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कालबेलिया कल्चरल। कालबेलिया नृत्य का एक अनूठा पहलू यह है कि इसे केवल महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि जो पुरुष होते हैं वो आपके वाद यंत्र बजाते हैं और संगीत प्रदान करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि महिलाओं के द्वारा इस डांस को किया जाता है और जो पुरुष होते हैं वो म्यूजिक बजाते हैं और वाद्य यंत्र बजाते हैं, संगीत गाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस डांस के बारे में जाना। चलिए बात करते हैं अभी इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रेस के बारे में। तो किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रेस का ये लोग प्रयोग करते हैं? देखिए, जो महिलाएं होती हैं वो जनरली ब्लैक स्कर्ट्स का यूज करती हैं डांस करते टाइम। तो ये घेरदार काले घाघरे में महिलाएं गोल गोल घूमते हुए सर्प की नकल करते हुए नृत्य करती हैं, जबकि पुरुष उनके साथ खंजारी इनका इंस्ट्रूमेंट है, आपको याद रखना है। तो खंजारी इंस्ट्रूमेंट का यूज कौन सी कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान की कालबेलिया कम्युनिटी के द्वारा कालबेलिया डांस को परफॉर्म करते टाइम खंजारी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, इनको आपको जरूर याद रखना है। देखिए, जबकि पुरुष उनके साथ खंजारी और पुंगी, तो ये पुंगी भी एक वाद्य यंत्र है, तो पुरुषों के द्वारा खंजारी और पुंगी वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है जो पारंपरिक रूप से सांपों को पकड़ने हेतु बजाया जाता था। तो पुंगी तो आपने देखा भी होगा, जो सांपों को पकड़ने के लिए सपेरे यूज करते थे, तो ये वही खंजारी और पुंगी है जिसको इस डांस के साथ में बजाया जाता है। नर्तक शरीर पर पारंपरिक टैटू निर्मित करवाते हैं तथा आभूषण छोटे दर्पण और चांदी के धागे से निर्मित कढ़ाई वाले वस्त्र पहनते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। ये इनकी एक स्पेशल वेशभूषा है, स्पेशल ड्रेस है जो इनको यूनिक बनाती है। चलिए बात करते हैं कालबेलिया सॉन्ग्स के बारे में, कालबेलिया संगीत के बारे में। कालबेलिया गीतों में कथाओं एवं कहानियों के माध्यम से आप देख सकते हैं, तो कालबेलिया गीतों में कथाओं एवं कहानियों के माध्यम से पौराणिक ज्ञान का प्रसार किया जाता है। इन गीतों में कालबेलिया के काव्य कौशल का प्रदर्शन होता है, जिसका प्रयोग नृत्य प्रदर्शन हेतु गीतों को सहज रूप से लिखने और गीतों को बेहतर बनाने हेतु किया जाता है। इम्प्रूविंग सॉन्ग्स ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, तो पीढ़ी दर पीढ़ी देख सकते हैं, ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेषित गीत और नृत्य, कोई पाठ या प्रशिक्षण नियमावली मौजूद नहीं है।
दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेषित गीत एवं नृत्य एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है जिसके लिए कोई पाठ या प्रशिक्षण नियमावली मौजूद नहीं है। चलिए बात करते हैं अभी कालबेलिया ट्राइब्स के बारे में। तो कालबेलिया जनजाति के बारे में जानते हैं। देखिए कालबेलिया जनजाति के लोग कभी पेशेवर रूप से सर्प को पकड़ने का कार्य करते थे। तो आपको पता है कि ये बेसिकली सपेरे होते थे और पारंपरिक एक प्रोफेशनल व्यवसाय इनका क्या था, तो ये सर्प को पकड़ने स्नैक होल्डर्स का काम करते थे। आज वे संगीत और नृत्य में अपने पूर्व व्यवसाय को बनाए हुए जो नए रचनात्मक तरीकों के माध्यम से सामने आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इनका प्रोफेशनल काम था स्नैक होल्डर्स का, सांप को पकड़ने का, इस काम को ये अब भी करते हैं, लेकिन अभी ये संगीत नृत्य जैसे नए कामों को भी अपनाने लगे हैं। देखिए दे लिव ए नोमेडिक लाइफ एंड बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो वे खाना बदोश जीवन व्यतीत करते हैं और अनुसूचित जनजातियों में शामिल हैं। कालबेलिया की सबसे अधिक आबादी आप देख सकते हैं पाली जिले में पाई जाती है। तो कालबेलिया की सबसे अधिक आबादी राजस्थान के पाली जिले में पाई जाती है, उसके बाद अजमेर, चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर जिले में पाई जाती है। ये सभी आपके राजस्थान के जिले हैं जहां पर ये ट्राइब पाई जाती है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इस फोटो से आप समझ सकते हैं अच्छे से, ये कालबेलिया कम्युनिटी है जो महिलाओं के द्वारा यहाँ पर डांस प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि पुरुषों के द्वारा यहाँ पर ये पुंगी और खंजारी वाद्य यंत्र को बजाया जा रहा है। बेसिकली ये सपेरे होते हैं, इसका यूज ये सांप पकड़ने के लिए करते थे और इसी का यूज यहाँ पर ये डांस के लिए भी कर रहे हैं जो इनको एक यूनिक पहचान देती है। तो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में इस डांस को किया गया है, इसको आपको जरूर याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सिलेक्ट आईएएस की तरफ से मुकाबला इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। यह बेसिकली एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जहां पर आप अपने मेंस के आंसर्स को इवेल्युएट करा सकते हैं बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा यहां पर आपको गाइड किया जाता है किस प्रकार से आपको मेंस का आंसर लिखना होता है, कैसे आपको उसमें क्वालिटी को ऐड करना है। तो काफी सारी चीजें आपको यहां पर सिखाई जाती हैं। आप इस इनिशिएटिव को मेंस आंसर राइटिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में और अधिक डिटेल्स लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।